और यहाँ क्या होगा, लगी तो नहीं, लगी निकली, लगी निकली, भाई ये सबसे ज्यादा खतरनाक था। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज है हमारा डे 3 एंड आई एम इन येलागिरी, और हम अपनी पुरानी लोकेशन से निकल के अपनी नई लोकेशन की तरफ चल चुके हैं। नई लोकेशन जो है वो यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर है। अभी हम लगभग 2.5 किलोमीटर आ चुके हैं और अभी और 3 किलोमीटर हमें अभी जाना है। तो आज की जो लोकेशन है वो थोड़ी स्पेशल होने वाली है। आई होप आपको प्रीवियस एपिसोड अच्छा लगा होगा कार टेलगेट कैंपिंग का। एंड आज की जो लोकेशन है उसमें हम जा रहे हैं रिवर साइड ऑप्शन ढूंढने के लिए। तो मैंने कुछ लोकल से पूछा है, यहाँ पे दे आर सेइंग रिवर साइड ऑप्शन भी है, तो चलो देखते हैं। मुझे सिर्फ एक ही थॉट है कि रिवर साइड पे जनरली सरफेस जो है ना, लैंड जो है राइट, वो अनइवन बहुत ज़्यादा होता है। तो चलो देखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा अनइवन होगा तो फिर हम आज ये जो कार टेलगेट टेंट है इसे नहीं पेच करेंगे, हम लगाएंगे टार्प। तो फर्स्ट चलते हैं एंड उसके बाद चल के देखते हैं फिर कैसी रहती है आज की लोकेशन। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं रास्ते पे। तो यार मेरे पीछे का नज़ारा आप देख रहे हो, यही वो रोड है। हम चल रहे हैं अपनी कार की तरफ। मौसम अच्छा बना हुआ है और अभी सितंबर के हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि मौसम बहुत ठंडा है, बहुत मज़ेदार है, मतलब प्लीजेंट वाला में भी वो जो प्लीजेंट वाला लेवल होता है ना, वो लेवल है भी और नहीं भी। जनरली शाम को ठीक हो जाता है यहाँ पर वेदर। तो देखते हैं मौसम, तो अभी तो आज का ठीक है, सूरज नहीं है, तो आई होप कि आज का मौसम अच्छा रहेगा। चलो चलते हैं।
खतरनाक है भाई साहब, खतरनाक है ये वाला तो। चलो द ऑफ रोड बिगिंस। ओके लगाते भैया। यार रास्ता देखो क्या अमेजिंग चल रहा है। वाह मौसम कितना अच्छा लग रहा है यार। बस अंदर एसी चला रखा है मैंने और बाहर धूप नहीं है, ऐसे क्लाउड्स देख करके फीलिंग आ रही है। वाह वाह कितना ठंडा है। शाम को थोड़ा बेटर हो जाता है। और वैसे येलागिरी के लिए बेस्ट मंथ्स अभी तक मैंने जितनों से पूछा है तो बोला यही जा रहा है कि नवंबर दिसंबर एंड जैन। तो नवंबर से जैन तक के मंथ्स जो है वो अच्छे हैं यहाँ के लिए। एंड इस मंथ में भी सितंबर में भी फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स थोड़ा सा अर्ली मॉर्निंग की तरफ, अगर आप सुबह उठ जाते हो ना 4-5 बजे के करीब, तो आपको वो सब चीजें दिखाई देती हैं। अभी अरे भाई साहब ये तो खतरनाक आ गया। ओ तेरी, अरे भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक आ गया। ये ऊंचे ऊंचे ये जो पत्थर निकले ना, ये रॉक्स निकले हुए हैं, ये ओह ये तो बहुत लंबा, पूरा ही खतरनाक है। कर तो जाएगी ब्रजा, लेकिन आई होप कर जाएगी। यस कर जाएगी, थोड़ी मेहनत है। चलो कैमरा सेट करते हैं और फिर आते हैं। अब ये मुझे नहीं पता कितनी आगे तक ऐसा है, फुल टफ कंडीशंस है ब्रजा के लिए। पावर वाइज नहीं है, एक तो नॉन ट्रेन टायर्स और दूसरा स्लिपरी रॉक्स। तो देखते हैं कैसा होगा। कुछ जगहों पे थोड़ा सा तो फाइनली पैच पूरा हो गया और अपन पहुंच गए ऊपर। अब ब्रजा के हिसाब से अगर बताऊं तो बस ये पैच दिख ही रहा था। हालांकि इसमें बड़े बड़े पत्थर हैं, ऐसा नहीं है, बड़े बड़े पत्थर हैं, टर्न पे भी हैं, मोमेंटम मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कोई जोर नहीं लगा, चढ़ गई। चलो चलते हैं आगे। और अब रोड वोड कुछ नहीं है, ये सब ऐसे ही पैचेस आएंगे, कैसे आएगा चलो देखते हैं। लेट्स रीच टू द रिवर। ओ भाई साहब क्या खतरनाक स्लश है ये। अरे यहाँ तो मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ क्या होगा, लगी तो नहीं, लगी निकली भाई, ये सबसे ज्यादा खतरनाक था, ये सबसे ज्यादा खतरनाक था। ये तो अनएक्सपेक्टेड था भाई। छीटे देखो पूरी गाड़ी पे है। ये रिकॉर्ड करना चाहिए था यार, फ्रंट कैमरा लगा के यार इसका। ये अनएक्सपेक्टेड था, ये भयंकर था बिल्कुल। वो चलो यार यहाँ जरा किसी से पूछ लेते हैं पहले, क्योंकि यहाँ पे टर्न हो सकती है गाड़ी। चलो यहीं से आगे है। ये वाला बहुत खतरनाक था भाई और अनएक्सपेक्टेड आया। ये तो क्लीन हो गया भाई, ये तो एकदम सीमेंटेड रोड है यहाँ पे तो। हो वाह नजारे देखो यार क्या मस्त है। Take the next left, then make a U-turn. अभी तक मुझे रिवर की कोई आवाज तो आई नहीं है। I can see the land. रिवर नहीं दिख रहा है।
तो ये है वो स्पॉट सामने जो आप देख रहे हो, हम जाएंगे इधर। सो फाइनली स्पॉट मिल गया है हमें जहाँ पे आज हम पिच करेंगे, लेकिन चैलेंज ये हुआ है स्काई कितना साफ़ हो गया। मैं पिछले लगभग 2.5 घंटे से गाड़ी में बैठा हूँ, इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई है ना, पूरे में पानी पानी हो चुका है उस ग्राउंड पे भी। तो थोड़ा सा पानी अभी सेटल डाउन हो गया है बट इट्स वेरी स्लिपरी। तो गाड़ी अभी नीचे है, मैं लगाता हूँ कैमरा और फिर हम आएंगे यहाँ से ऊपर। लेकिन आज हम टेंट नहीं पिच कर पाएंगे, द रीज़न इज़ कि जितनी भी ये ग्रास है ना वहाँ पे थोड़ा वाटर होल्डिंग है, तो वाटर होल्डिंग में टेंट पिच करना इज़ नेवर अ गुड आइडिया। और पता नहीं कि और रात को कितनी ज़ोर से बारिश होगी, टेंट में पानी नहीं आएगा बट जो नीचे ग्राउंड पे सरफेस पे अगर पानी का होल्ड है तो वहाँ चैलेंज होगा। तो आज हम पिच करेंगे अपना टार्प, ऑल्दो जिस टार्प को मैं लाना चाहता था इस ट्रिप पे वो तो नहीं आया, अभी ऑन द वे है, डिलीवर नहीं हुआ है, बट जो पुराना टार्प है उसको थोड़ा बेटर वे में हम सेटअप करेंगे इस बार। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट सीरीज जो आएंगी उसमें आप टार्प देखना, हेक्सागन अमेजिंग टार्प है वो, राइट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। टाइम हो चुका है 4:45 का इस वक्त और नज़ारे बहुत अच्छे हैं यहाँ से। आई एम होपिंग कि मॉर्निंग में कुछ क्लाउड्स मिल जाएं अच्छे यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं।
यार अभी बना रहा हूँ मैं क्विक मैगी और सूप। टाइम हो रहा है 7 बजे का लगभग और बहुत देर से भूख लगी थी क्योंकि आज की जो कैंपिंग लोकेशन है उसे ढूंढने में बहुत मुश्किल हुई है। और दूसरा चीज क्या हुआ है कि 2 घंटे जो बारिश हुई है तो इसके कारण सारा प्लान डिले हो गया और मैं कहीं कुछ खा भी नहीं पाया। एनीवेज मैगी मस्त रेडी हो रही है और सूप पीते हैं मैगी और सूप, उसके बाद करेंगे कुछ डिनर की तैयारी। देखते हैं, बारबेक्यू करने का ही मन है लेकिन देखते हैं क्या करते हैं। पहले कुछ खा लूं क्योंकि खाली पेट भजन नहीं हो रहा, तो अब कुछ खा लेते हैं उसके बाद फिर फटाफट सोचते हैं। और ये मैं कुछ कुकीज लाया था कॉफी के लिए, अब कॉफी पीने का मन है नहीं तो सूप पियेंगे, तो सूप के साथ तो कुकी कौन खाएगा। आज कीड़े बहुत हैं यहाँ पे, मतलब आज क्या है मतलब यहाँ पे कीड़े बहुत हैं, इतने सारे उड़ रहे हैं ना ये छोटे छोटे कीड़े, क्योंकि बारिश जो है यहाँ पे अच्छी हुई है और बारिश होने की वजह से कीड़े भी हो गए हैं और ये सब यहाँ उड़ उड़ के आ रहे हैं। बस वेज बना रहा हूँ, नॉन वेज ना बने। तो ये तो हो गया सेट, इसमें थोड़ा सा मम्मी का मैजिक मिला देते हैं, मज़ेदार हो जाएगी मैगी। वैसे तो मैं जनरली मिलाता नहीं हूँ बट बहुत थोड़ा सा। कल की कैंपिंग में अच्छा रहा यार ओवरऑल, आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा क्योंकि कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। और मतलब जितने लोगों ने, गांव वालों ने वहाँ पे देखा उसे ना, मतलब एवरीवन वाज लाइक यार ये बहुत अमेजिंग है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर आपने अभी तक वो एपिसोड नहीं देखा है प्लीज़ वो एपिसोड आप ज़रूर देखें। तो अगर आपने वो बताना कैसी रही कार टेंट कैंपिंग। एंड आज मेरा टॉप करने का इसलिए मन हो गया बिकॉज मैंने बताया था कि बारिश काफ़ी हुई है और तो टेंट पिच करने में दिक्कत होता है, यहाँ पे ना पानी का रुक है। अभी तो बारिश का पानी यहाँ नहीं है लेकिन जब जब बारिश यहाँ हो रही है ना तो यहाँ पानी रुक रहा है, तो टेंट लगा के कोई बेनिफिट नहीं था। तो इसीलिए आज टॉप से काम चलाएंगे और गाड़ी के अंदर सोएंगे। आज बारिश होने की वजह से काफ़ी लेट हो गया है तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं थोड़ी गलत कर रहा हूँ। ये अभी तक नहीं उतारा, डस्टबिन मैंने अभी तक नहीं निकाला, चेयर निकाल के रखी है, बैठा नहीं हूँ इस पर एक बार भी। इसके लिए मैं कोई लेट लाया ही नहीं हुआ, तो ऐसी गलतियाँ होती रहती हैं। हाँ मैंने बेड ज़रूर सेटअप कर लिया अपना बट ये चेयर रखी है बट मैं इस पर बैठा नहीं हूँ अभी तक, तो ये भी एक गजब की बात है। सो मैगी अब बनेगी, उसके बाद बनाते हैं अपना सूप और फिर इसका थोड़ा बेनिफिट उठाते हैं इस चेयर का। आज तो जब से निकला हूँ ना सुबह से, आज बेसिकली मैं सुबह से ही, क्योंकि सुबह उठे हैं पैकिंग वगैरह हुई है टेंट की और उसको करने के बाद फिर निकले नई कैंपिंग लोकेशन ढूंढने के लिए, फिर 2-2.5 घंटे बारिश में बैठे रहे, फिर जगह मिली तो जगह गीली, तो उसको कैसे तैसे सेटअप किया, आवाज़ें आ रही हैं बहुत सारी नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज थक गए, आज थकान फील हो रही क्योंकि डिले हो गया, मतलब कल बेटर डे होगा ऑब्वियस ही बात है लेकिन आज के लिए थक गए, इसलिए हमने सोचा इस चेयर का थोड़ा सा बेनिफिट उठाया जाए और चेयर पे बैठते हैं आराम से जब तक अपनी मैगी रेडी हो रही है, फिर लेते हैं सूप तो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग हो जाएगा। और इस जगह के बारे में बताऊं तो सामने माउंटेन है आपने देख लिया है और ये पूरा जंगल है। तो आपको मुझे जल्दी लगाना था क्योंकि एक तो लेट भी हो चुका था कैंप सेटअप करने के हिसाब से, ऊपर से बारिश का ये पानी, तो अभी लकी है कि बारिश नहीं हो रही है तो इट्स गुड। मैं आपको सुबह दिखाता हूँ, ये पूरा फॉरेस्ट है जस्ट 100-150 मीटर मैक्सिमम, तो इसीलिए आवाज़ों से सतर्क रहना पड़ेगा। और
इसी के करके आज मैंने जो फ्लड लाइट ऑन करके रखी है इस डायरेक्शन में, ताकि अगर कुछ भी है, जो भी अगर अप्रोच कर रहा है ना, तो आई कैन सी एंड आई कैन टेक एक्शन। एक्शन मीन्स क्या होगा, अपन छुप जाएंगे गाड़ी के अंदर। चलो फटाफट से बनती है मैगी और फिर खाते हैं। तो यार अपनी जूसी मैगी इज ऑल सेट। तो सिंस मैंने इसे जूसी उतार लिया, तो मैंने सोचा अब सूप क्या करेंगे बना के। लेट्स एंजॉय जूसी मैगी। टाइम टू चिलैक्स एंड हैव सम जूसी मैगी। कितना अच्छा लग रहा है यार, अब मन कर रहा है चाय पी लेते। टोमेटो डाला है ना भर के, टैंगी हो गई है, टैंगी, सो नाइस। सोच रहा हूँ चाय बना लेते हैं यार, जब तक मैगी बहुत गर्म है अभी। मौसम बहुत अच्छा है आज, एंड कल पता नहीं क्या था, कल थोड़ा सा गर्म लग रहा था, लेकिन हाँ लेटर पार्ट ऑफ द नाइट सही हो गया था मौसम जा करके। लेकिन आज मौसम बहुत ही अमेजिंग है, मजा आ रहा है। तो दूध जैसा पाउडर डाल के बनाएंगे इसको। कहीं कहीं से कुछ कुछ आवाजें आ रही हैं, आज कुछ ज्यादा ही आवाजें आ रही है। फर्स्ट क्लास दूध की शक्ल आ गई है एकदम। आज घर जैसी चाय बनाएंगे, बस दूध की कमी है, पाउडर से चलाएंगे। वाह, विल मेक इट स्ट्रांग। दो लीफलेट लेंगे इसके, इसको इसमें डाल देते हैं और ये आराम से अपना काम करता रहेगा। लेट्स एंजॉय मैगी। पूछो मत आज थकान के क्या हाल है। बस अदरक की कमी है इसमें। वाह, बिजली कड़क रही है वहां, बस बारिश नहीं आनी चाहिए भाई। रात को जितनी मर्जी आओ, अभी नहीं आनी चाहिए, वरना खाना खराब हो जाएगा। रात को खाना कैसे बनाएंगे आज, क्योंकि जब टेंट लगता है तो उसमें ऑप्शन होता है कि अंदर मैं इस टेबल को रख के आई कैन लाइट अप एंड मैं कुक कर सकता हूँ। अभी टेंट नहीं, टार्प है, और अगर बहुत तेज बारिश आई बहुत सारी हवा के साथ तो सब गड़बड़। खैर आई एम होपिंग ऐसा नहीं होगा। तो मैं एंजॉय करता हूँ अभी चाय को, और मिलते हैं सीधा कुकिंग स्टिक्स के साथ डिनर पे। सो दिस इज द डिनर, और बैकग्राउंड में बताता हूँ क्या हुआ है। सो यार क्या बोलूँ, आज मैं अपना फ़ोन चार्ज करना भूल गया, और एक्शन कैमरा भी परफॉर्म नहीं कर पाया इस लो लेवल लाइट में। ये वीडियो बहुत ही अलग आ रही होगी, ये जो लाइट्स जल रही हैं ये अलग बैटरी से चल रही हैं, और कोई भी पावर सप्लाई नहीं था। तो मैंने कार का इंजन ऑन करके फ़ोन को थोड़ा चार्ज किया है, सो दैट आई कैन शूट दिस वीडियो। और पास के एक गांव में जाना पड़ा मुझे हेल्प लेने के लिए। मैं चार्ज करके लाया अपने फ़ोन को वहां बैठ करके, और दे ये देखो ये लाइट भी गई, जल गई, ये अपने आप बंद हो गई थी, अब पता नहीं कितनी देर जलेगी। तो पास के गाँव में मैं गया था हेल्प लेने के लिए,
तो वहाँ फिर मैं गया तो फिर दे हैव ऑफर्ड मी फूड. ये देखो लाइट फिर बंद हो गई. तो पास के गांव में मैं गया था तो दे हैव ऑफर्ड मी दिस फूड और ये देखो लाइट फिर बंद हो गई. तो आज मुझसे खुद से गलती हुई है, मैंने चार्ज नहीं करी है चीज़ों को. तो आई रियली अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई नो कैंप आपका एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा नहीं गया इसके लिए. तो अभी जो टाइम हो चुका है 11:22 का हो गया है और बस इसमें थोड़ी बहुत बैटरी है, वो 2-2 सेकेंड में बंद हो रहा है. तो 11:22 का टाइम हो चुका है तो मैं अब खाना खाता हूँ. फ़ोन की बैटरी अभी अराउंड 19% है तो जैसे तैसे मैं खाना खाऊंगा इसी लाइट्स में, जो भी लाइट अभी अभी टेबल पे आ रही है. और आई होप यू हैव लाइक दिस, क्या बोल सकता हूँ मैं, अगर इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. आई होप यू हैव लाइक दिस एंड चैलेंजेस ऐसे चलते रहते हैं कैंपिंग के अंदर और कुछ अपनी गलतियाँ भी हो जाती हैं, कुछ चैलेंजेस भी होते ही हैं. एंड अभी फुल बारिश का मौसम है और नियर बाय विलेजेस में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. तो मुझे काफ़ी देर बैठने के बाद इलेक्ट्रिसिटी आई तो मैंने चार्ज किया है, इसलिए फिर मुझे आना पड़ा बिकॉज विलेजर्स 9:30 तक सो जाते हैं. तो अब मैं खाना खाऊंगा एंड आई विल स्लीप. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब, लाइक माई चैनल, शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल दैट टाइम सी यू, टेक केयर, टाटा, बाय बाय.